हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया सो आज एक नई अपडेट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फार्मासिस्ट डिपार्टमेंट से जी हाँ जैसा कि आप लोगों को बताया भी था स्टार्टिंग में कि साल 2024 होने वाला है फार्मासिस्ट की जॉब वालों के लिए तो इसी तरह से आप लोगों के साथ ये भी बताया गया था कि आर की वैकेंसीज आने वाली है जो की पैरा मेडिकल कैटेगरीज में आती है जी हाँ एक नोटिस हमें मिला है नोटिस दस नोटिस दो हजार चौबीस का बताया जा रहा है और हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं आरआरबी फार्मासिस्ट की जी हां 2019 के बाद यहां पर हमारी 2024 में वैकेंसीज आई हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज के बारे में तो अब देखने देखते हैं यहां पर देखिए यहां पर दी गई है नेम ऑफ पोस्ट और कितनी वैकेंसीज़ हैं तो यहां पर पैरामेडिकल में वैकेंसीज़ दी गई हैं आप देख रहे हैं ऑडियोलॉजिस्ट की दी गई है कार्डिक टेक्नीशियन की दी है और तेहरवे या चौदह नंबर पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड थ्री की पोस्ट यस और ये है टोटल दो वैकेंसीज जी हां तो यहां पर जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे थे वो जुट जाइए अपनी तैयारी में क्योंकि अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन आने वाला है पैरामेडिकल कैटेगरी की तरफ से अपनी तैयारी को अच्छे से करना चालू कर दीजिए मैंने यहां पर एक रीसेंट वीडियो बनाई थी आरआरबी आर फार्मासिस्ट को लेकर क्या हो सकता है उसका सिलेबस कैसे करें तैयारी तो उस पर भी चलिए एक बार नजर कर लेते हैं तो आर आर फार्मासिस्ट का आप इस तरीके से देख सकते हैं ये वीडियो बनाया था फार्मासिस्ट ग्रेड थ्री की पोस्ट रहने वाली है उसी के बाद में बात करूं आपका यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करी थी तो यहां पर डी फार्मा और बी फार्मा दोनों एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है ऊपर हाँ। नहीं अप्लाई कर सकते 20 साल से कम नहीं ये हमने पिछली नोटिफिकेशन के तहत बनाया था उनतीस से लेकर बानवे सैलरी रहने वाली है और अदर अलाउंसेस भी बोला गया है यहां पर पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर मेडिकल टेस्ट होगा फिर ट्रेनिंग होगी फिर आपका पोस्टिंग होगी याद रखिएगा ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस उसी के बाद एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सत्तर क्वेश्चन आपके फार्मा के रहने वाले हैं और ये जो नोटिस है ये जो हम बता रहे हैं ये पिछली नोटिफिकेशन में डाला गया था तो अभी भी इसी तरह से देखने को मिल सकता है जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं एप्टीट्यूड अर्थमेटिक 10 नंबर जनरल साइंस 10 नंबर ठीक है तो याद रखिएगा 100 नंबर का पूरा मार्क्स का होता है ये हमारा और सिलेबस यहां पर दिया गया है टेक्निकल का जैसे एच दिया गया है एनालिसिस दिया गया है फार्मास्यूटिक्स दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेमिडियल बायोलॉजी ऑर्गेनिक बायो कैम इस तरह से ये आपके टेक्निकल में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहीं पर मैं अगर बात करूं नॉन टेक्निकल की तो आप देख सकते हैं जर्नल अर्थमेटिक जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस और जर्नल साइंस इसकी पीडीएफ में आपको बता दूं ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोडेड है तो आप जाकर वहां पर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप जाकर जरूर चेक करें तो चलिए अब बात करते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें तो फार्मेसी इंडिया ऐप आपके पास जरूर होना चाहिए क्योंकि वहां पर आरआरबी के लिए एक स्पेशलाइज्ड बैच चलाया गया है और आप इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एडमिशन क्वेरीज जो भी हैं आपकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और इसके अलावा मैं एक बेस्ट बुक आपको रिकमेंड करूंगा जो कि आपके पास होनी चाहिए दैट इज मिशन फार्मासिस्ट जी हां 2007 से लेकर 2023 तक के इसमें पेपर आपको मिलने वाले हैं पीवाईपी पेपर्स साथ ही साथ मॉडल पेपर्स विद आंसर की अब दूसरी बात होती है सर ऑर्डर कैसे करें इसको आप सीओडी कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से एंड इट्स प्राइस इज जस्ट टू नाइनटी नाइन रुपीजी और ये बुक मैं कहता हूं जो फार्मासिस्ट है उसके पास होनी ही चाहिए क्योंकि दिस इज द बेस्ट बुक एंड आई रिकमेंड यू और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और आज ही अपनी आरआरबी की तैयारी शुरू करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन जय हिंद बच्चा लोग थैंक यू सो मच